साधना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरोः। भगवान ने कहा बुआ जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अंतर्यामी रूप से तो मैं आपके हृदय में ही प्रतिष्ठित हूं, आप जब मेरा स्मरण करेंगी मैं आपके सामने मिलूंगा। कहने का तात्पर्य कि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और ये देवता भी अगर भगवान को भूल जाएं तो इनके ऊपर भी विपत्ति आ जाती है। और देवता भूलते कैसे? बोले जैसे हम आप भूलते। धन संपत्ति वैभव आ जाने पर हम भगवान को भूल जाते हैं, जब तक विपत्ति रहती है तब तक तो खूब भगवान को याद करते, लेकिन जब माल पानी आ गया फिर तो व्यक्ति की मौज मस्ती सुधरने लगती है और व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा अब याद दिलाना पड़ेगा। यही स्थिति देवताओं की, देवता स्वर्ग के सुख में भगवान को भूल जाते हैं। मेनका तिलोत्तमा उर्वशी रंभा जैसी अप्सराओं के नृत्य को देखते हुए, सोमरस का पान करते हुए, स्वर्ग की अतुल संपदा का भोग करते हुए जब ऐसो आराम में मस्त हो जाते हैं ये देवता, तो भगवान कहते हैं अब इन्हें ठीक करना पड़ेगा। और इन देवताओं को ठीक करने के लिए ही भगवान रावण और कुंभकर्ण शिशुपाल दंत वक्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दांत दानवों को अपने संकल्प से भगवान ही प्रकट करते हैं। और ये सभी असुर जब देवताओं का कान गरम करते हैं तब देवताओं को भगवान की याद आती है, तब देवता कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। तो देवताओं के ऊपर भी विपत्ति क्यों आई? क्योंकि देवता भगवान को भूल गए, भोग सुख में भगवान को भूल जाना ही विपत्ति को निमंत्रण देना है। देवता भगवान को भूल गए, विपत्ति आई, रावण ने स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को खदेड़ दिया, सब गुफा में जहां तहां जाकर के आश्रय लेते हैं। और रावण ने अधर्म का विस्तार किया, जहां जहां पुराण की कथा हो, ब्राह्मणों का गांव हो, गायों की सेवा हो, रावण कहता आग लगा दो। रावण ने असुरों से कहा जाओ जहां पर ब्राह्मणों की बस्ती मिल जाए, जहां पर गाय मिल जाए और जहां पर धर्मशास्त्र की चर्चा हो वहां आग लगा देना। जेही जेही देश धेनु द्वज पावई, जेही जेही देश धेनु द्वज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई। चारों तरफ रावण ने अपने आतंक का विस्तार कर दिया महाराज। दो पर हमला बोला रावण ने, एक गाय और दूसरे ब्राह्मण। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावन, धेनु बोले तो गाय और द्विज माने ब्राह्मण। रावण ने कहा इन दोनों को खत्म करो। क्यों? बोले ये दो खत्म हो जाएं तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। गाय का और ब्राह्मण का सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व है। गाय की विशेषता क्या? बोले गाय तो चलता फिरता 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है महाराज। 33 करोड़ देवता का आप मंदिर नहीं बना सकते, और न 33 करोड़ देवताओं का आप एक साथ पूजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चलता फिरता 33 कोटि देवताओं का मंदिर बना दिया जिसे गौ माता कहते हैं। 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास करते, गाय की पूजा कर ली, गाय की परिक्रमा कर ली, गाय की सेवा कर ली, तो 33 कोटि देवताओं की पूजा का फल है। 7 दिन भागवत कथा सुनने का जो फल है वो फल गौ सेवा का है, भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। सारी बातों को बताने का समय नहीं है, लेकिन गौ सेवा का इतना फल है कि आप 1 घंटे गऊ की सेवा करते हो तो 7 दिन विधि पूर्वक भागवत सुनने का जो फल है वो फल 1 घंटा गऊ की सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गाय धर्म का मूल है।
और गाय के दूध की विशेषता की गाय के दूध के सेवन से बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय के पिछले भाग से प्रकट होने वाले ये पांचों पदार्थ परम पवित्र हैं, जो हमारे हड्डी के अंदर के पाप को भी नष्ट कर देते। इसको पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य पीते समय मंत्र पढ़ा जाता है कि यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके। क्या अर्थ हुआ? बोले यत्त्वगस्थि गतम पापम, ऊपर में तो चमड़ा है शरीर में, और भीतर में बोले चमड़े के बाद मांस, मांस के बाद हड्डी, तो चमड़े से लेकर के हड्डी तक, यहां तक कि हड्डी के अंदर भी जो पाप है उस पाप को पंचगव्य नष्ट कर देता है। यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके, प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेंधनम्। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार गाय का पंचगव्य हमारे हड्डी के अंदर के पाप को भी नष्ट कर देता है। और पांचों गव्य नहीं तो कम से कम एक गव्य गाय का दूध ही प्रतिदिन हम सेवन करते हैं, तो गाय के दूध पीने का दो फल है। एक फल तो ये है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, और दूसरा फल आपका पाप नष्ट हो। भैंस का दूध पीने से तो केवल ताकत मिलेगी, लेकिन गाय के दूध से दो लाभ है। एक लाभ ये कि ताकत तो मिलेगी ही, ऊर्जा मिलेगी, साथ साथ पाप भी नष्ट होगा, क्योंकि गाय का दूध पंचगव्य में से एक है, इसलिए पाप को भी नष्ट करेगा। और पाप के नष्ट होने पर ही बुद्धि निर्मल होगी, तब शास्त्र को और सिद्धांत को समझने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग गाय पालते थे, भैंस नहीं पालते थे, कुत्ता नहीं पालते थे। आजकल लोग दूध के लिए भैंस पालेंगे और शौक के लिए कुत्ता पालेंगे। किसी के दरवाजे पे चले जाओ तो दरवाजे पे लिखा रहता कुत्ते से सावधान, लगता है इस घर में सब कुत्ते ही रहते हैं। दरवाजे पे ही लिखा रहेगा कुत्ते से सावधान। पहले जमाने में दरवाजे पर लिखा रहता था सुस्वागतम, स्वागत है। और अब बोले वो डाबर मैन कुत्ता बड़ा सा बाघ जैसा पाल करके रखा है, जो आवे उसको काट खाए। महाराज ये कुत्ता पालना हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो अंग्रेज भारत में आए तो कुत्ता के शौकीन थे, क्योंकि वो भी सब वैसे ही थे, उसी जाति के ही थे। अपने ही समान गुण धर्म वालों से ही तो व्यक्ति की प्रीति होती है। प्रीति कहां होती है? बोले समान शील व्यसने सुमैत्री। शास्त्र का सिद्धांत है कि समान गुण धर्म में ही प्रीति होती है। आपके समान जिसका गुण धर्म होगा, आपका विचार मिलेगा, आपका व्यवहार मिलेगा, आपका आचार मिलेगा, आपका मन मिलेगा, तभी आपसे उसकी दोस्ती होगी। समान शील व्यसने सुमैत्री, समान शील व्यसन में ही मैत्री होती है। तो जिसकी कुत्ता से मित्रता है, समझ लो उसकी समान शीलता है, उसी गुण धर्म वाला वो है, तभी कुत्ते से दोस्ती करके बैठा। इसलिए बंधुओं ये कुत्ता पालना हमारी संस्कृति नहीं है। और घर में कुत्ता पाले, मरते समय कहीं कुत्ता दिख गया तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहा हूं, आप समझना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरते समय जो प्राणी जिस व्यक्ति का, जिस जीव का स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मरते समय जिस भाव का स्मरण करता है, जिस जीव का स्मरण करता है, जिस रूप का स्मरण करता है, अगले जन्म में वो उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन मरते समय अगर कुत्ते का स्मरण हो गया, आंख के सामने कुत्ता दिख गया और कुत्ते को देखते हुए प्राण निकला, तो मरने के बाद कुत्ता बनना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आप, सब पुण्य धरा रह जाएगा और अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। भागवत की कथा प्रमाण है, जड़ भरत जी का चरित्र आप पढ़ें। भरत जी राजा थे इस भारतवर्ष के, ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत,
महात्मा भरत लेकिन जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक हिरण के बच्चे को लाकर के पाल लिया अपने आश्रम में और उस हिरण के बच्चे से मोह हो गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया और उस हिरण के बच्चे की याद आने लगी, वो कहां चला गया, मेरा हिरण कितना अच्छा था। बार बार उस हिरण की याद आई और उसी को याद करते करते प्राण निकल गया, मृत्यु आ गई। मृत्यु आई, मृत्यु तो बता के आती नहीं, मृत्यु कोई अलार्म तो देती नहीं, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती, मृत्यु तो अचानक आती है। और मृत्यु आ गई, हिरण का स्मरण कर रहे थे इसलिए अगले जन्म में जड़ भरत भरत जी महाराज हिरण बन गए। उसी प्रकार से अगर मरते समय सामने कुत्ता दिख गया और उसका स्मरण हो गया तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता बिल्ली पालना ये हमारी संस्कृति नहीं है। गौ पालो, गाय की सेवा करो, गाय की सेवा से पुण्य सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो गाय के दूध से बुद्धि निर्मल होती है और निर्मल बुद्धि होने पर ही शास्त्र को समझने की क्षमता होती है। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग गाय पालते थे और आश्रम में गाय की सेवा करते, गाय के दूध को पीकर पाप से मुक्त होते और निर्मल बुद्धि के द्वारा शास्त्र का चिंतन करके समाज का कल्याण करते, धर्म की स्थापना करते, धर्म का उपदेश देते। तो धर्म के रक्षक कौन है, बोले धर्म का रक्षक ब्राह्मण और ब्राह्मण की बुद्धि की रक्षा करने वाला कौन, बोले गाय। गाय रहेगी तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध रहेगी और ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध रहेगी तो धर्म की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी। तो धर्म की स्थापना का मूल क्या है, बोले गाय और ब्राह्मण। रावण ने कहा इन दोनों को खत्म करो, जो इन दोनों को खत्म कर देगा वो धर्म को समाप्त कर देगा। धर्म को समाप्त करने का यही सूत्र है, गाय और ब्राह्मण को खत्म करो। इसलिए आज भी जो रावण के अनुयायी हैं, जो रावण की संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले हैं, ऐसे लोग गाय और ब्राह्मण पर ही कुठाराघात करते हैं। कहते हैं ये ब्राह्मण, इनको भगाओ, इनको मारो, इन्होंने बहुत अन्याय किया। कितने आरोप, उन सारे आरोपों का उत्तर देने का समय नहीं है यहां पर। और ऐसे लोग गायों को समाप्त करने पर तुले हैं, गाय और ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे तो सनातन धर्म रसातल में चला जाए। रावण ने भी यही काम किया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। नगर गांव में आग लगा देता और परिणाम बोले लोगों को धर्म से विमुख कर दिया। चारों तरफ पापियों का अधर्मियों का विस्तार होने लगा। क्या स्थिति हुई, बोले चारों तरफ चोर बदमाश उचक्के लुच्चे लफंगे, इन्हीं की पौ खुल गई महाराज, इन्हीं का वर्चस्व हो गया। बाढ़े खल, बाढ़े खल बहु चोर जुवारा, बाढ़े खल बहु चोर जुवारा, जे लंपट परधन परदारा, जे परधन परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, साधुन का ह्रास होगा तो बढ़ेगा कौन, बोले खल बढ़ेंगे, चोर बढ़ेंगे, जुआड़ी बढ़ेंगे। आज यही देखने को मिल रहा है,
जहां देखो वहीं बदमाश चोर उचक्के इन्हीं का राज्य। गली गली में जुए खेले जा रहे हैं, जुए के अड्डे बने हैं। ये सब क्यों? क्योंकि धर्म की हानि उसी का परिणाम कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। ऐसे लंपटों की दृष्टि दूसरों की स्त्री पर और दूसरे के धन पर ही रहती है। ऐसे लंपटों का बाहुल्य हो गया। और क्या स्थिति हुई? भगवान शंकर कहते हैं, देवी मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा। अधर्म का ऐसा बोलबाला कि माता पिता और देवता को मानने को तैयार नहीं, माता पिता की बात को मानने को तैयार नहीं। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। साधु की सेवा नहीं करेंगे, स्वयं साधु से सेवा कराएंगे। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ लो ऐसे लोग ही राक्षस हैं। राक्षस का मतलब, निशाचर का मतलब ये मत समझना कि जिसके बड़े बड़े दांत हो, जो बड़ा विकराल हो, जड़ा बड़ा भयानक हो, वही निशाचर। निशाचर की यह भी परिभाषा है कि जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। ऐसा आचरण जिसका हो जाए वही निश्चर है। और ऐसे निशाचरों की संख्या बढ़ने लगी, पृथ्वी इनके पाप से व्याकुल हो गई। महाराज पृथ्वी पाप से व्याकुल हो गई और पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी पर जब पाप अधिक होता है तो पृथ्वी कांपती है, और पृथ्वी का कांपना ही कंपन है, और कंप ही भूकंप है। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का कंपन ही भूकंप है। ये भूकंप जैसी विपत्तियां त्रासदी क्यों आती हैं? बोले अधर्म के कारण ही पृथ्वी कांपती है। महाराज पृथ्वी कांपने लगी अधर्म के कारण। ये पृथ्वी को संभालने वाले लोग कौन हैं? पृथ्वी तो शून्य आकाश में तैर रही है, लेकिन फिर भी ये अचला है, अचल है, और इस पे अनंत अनंत सृष्टि, अरबों खरबों लोग आनंद से रह रहे हैं, घर मकान दुकान सब बना। और जबकि ये पृथ्वी तैर रही है आकाश में, फिर भी कुछ गिर नहीं रहा है, सब यथावस्थित है। किसने इसको धारण कर रखा है? बोले पृथ्वी को धारण करने वाले सात लोग हैं। सात लोग कौन हैं? बोले वेदैर विप्रैश्च वेदैश्च गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। इस मही को, इस पृथ्वी को धारण करने वाले सात लोग हैं। कौन कौन? बोले गोभिर गाय के द्वारा। गाय न हो तो ये पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए। महाराज गोभिर विप्रैश्च वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च और वेदों के द्वारा। चारों वेदों का इस पृथ्वी पर जब पठन पाठन चलता रहता है तो पृथ्वी स्थिर रहती है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च और चौथा सती भी पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो वारांगनाओं के चरित्र से तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। ये पृथ्वी टिकी क्यों है? बोले पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत के प्रभाव से टिकी। तो गाय, ब्राह्मण, वेद और पतिव्रता स्त्री कितने हुए? बोले चार। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः और सत्य बोलने वाले सत्यवादी प्राणियों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी। और छठवां व्यक्ति कौन है? बोले अलोभधैः, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी प्राणी के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई। और सातवां व्यक्ति कौन है? बोले दानशीलैश्च, जिसके पास धन है और धन होने के बाद उसके अंदर उदारता है, वो दानशील है, ऐसे दानी धर्मात्मा प्राणियों के द्वारा पृथ्वी टिकी है। इन सात लोगों ने पृथ्वी को संभाल रखा है।
और इन सातों की संख्या जब घटती बढ़ती है, जितना अनुपात चाहिए, जितने अनुपात में ब्राह्मण, जितने अनुपात में गौवें, जितने अनुपात में वेदों का स्वाध्याय प्रवचन, और जितनी पतिव्रता स्त्री और अलोभी लोग, दानशील धर्मात्मा, इनकी संख्या जब घटती बढ़ती है तो पृथ्वी कांप जाती है महाराज। यही पृथ्वी का कंपन विनाश का मूल है। पृथ्वी कांपने लगी रावण के आतंक से, ये अनुपात बिगड़ गया महाराज। गायों को मारने लगे रावण के असुर, ब्राह्मणों को नष्ट करने लगे। ब्राह्मण नष्ट हो तो वेदों का पठन पाठन बाधित हुआ, और वेदों का पठन पाठन बाधित हो तो धर्म का उपदेश कौन करे। इसलिए लोग धर्म से विमुख होने लगे, इसलिए पृथ्वी कांपने लगी और गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी से जाकर के पृथ्वी ने कहा, पितामह, आपने रावण को क्या वरदान दे दिया है? रावण ने इस तरह से आतंक का विस्तार किया कि मेरा जीवन असंभव हो रहा है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। पृथ्वी जब विलाप करने लगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे दुख का निराकरण भगवान ही कर सकते हैं। जाकर तें दासी सो अविनाशी, जिसकी तू दासी है ना, वे अविनाशी भगवान ही तेरे भी सहायक हैं और मेरे भी सहायक हैं। जाकर तें दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय, हमारे और तुम्हारे दोनों के सहायक वही भगवान हैं, और उन्हीं को पुकारो। और ब्रह्मलोक में सभी देवता एकत्रित हुए और रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए, विदेशी आतंकवादी रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर के ब्रह्मलोक में भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ब्रह्मलोक में सभा हुई और उस सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सब लोग बैठ करके विचार करने लगे। बैठे सुर सब करें विचार, बैठे सब सुर करही बिचारा, बैठे सुर सब करही बिचारा, बैठे सब सुर करही बिचारा, बैठे सुर सब करही बिचारा। पाई कहे पाइए प्रभु करही पुकारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, कह पाइए प्रभु करही पुकारा, कह पाइए प्रभु करही पुकारा। बैठे सब सब करही विचारा, बैठे सुर सब करे। सभी देवता बैठकर ब्रह्मलोक में विचार करने लगे, कहां भगवान मिलेंगे, कहां पाई प्रभु करिय पुकारा, भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। लेकिन उसी सभा में भगवान शंकर बैठे थे और ये कथा भी भगवान शंकर सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी वहीं बैठा था, तेही समाज गिरजा मैं रहूं, उसी समाज में मैं भी बैठा था और अवसर पा करके मैंने भी अपने मन की बात कही। भगवान शंकर ने क्या कही? भगवान शंकर ने कहा, भगवान को ढूंढने के लिए न बैकुंठ जाने की जरूरत है, न क्षीर सागर जाने की जरूरत है, यहीं पुकारो, यहीं भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्यों? बोले भगवान सब जगह है, ढूंढने उसे जाया जाता है जो एक देश में, एक सीमा में, एक सीमित दायरे में होता है। जो असीम है वो तो कहीं भी है, सब जगह है। इसलिए ऐसे परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। किस प्रकार से? बोले अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट हैं जिमी आगी। जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अग्नि जो लकड़ी में बैठी है वो अग्नि उस लकड़ी को नहीं जलाती है, लेकिन जब उस लकड़ी को लेकर के घर्षण करो तो वो उसी लकड़ी से प्रकट होने वाली आग उस लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र हैं,
और प्रेम जब होगा तो वो भगवान प्रकट होंगे, तभी भगवान का हम अनुभव और दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन लकड़ी के ऊपर आप भगोना रख दो, कहो चाय बन जाए, बोले लकड़ी पर रखे रहो सवेरे से शाम तक, वो लकड़ी गर्म थोड़ी होगी। लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन उस आग से भोजन नहीं बनेगा, वो आग आपका कल्याण नहीं करेगी। लेकिन उसी लकड़ी को रगड़ करके अगर आग को बाहर निकाला जाए और निकाल करके उस आग में उसी लकड़ी को रख दिया जाए, फिर उस आग से आप भोजन बना लो, और भोजन ही नहीं जो जो उपयोग करना है कर लो। उसी प्रकार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन जब तक प्रेम का संघर्षण न हो तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होता, और तब तक भगवान का लाभ, भगवत कृपा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने ऐसा कहा, और ब्रह्मादिक देवताओं को ये बात अच्छी लग गई, और सब लोग वहीं वैकुंठ में, ओ ब्रह्मलोक में ही भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है, देवताओं ने स्तुति की, जिस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने प्रकट होने का वचन दिया। आइए इस स्तुति का हम लोग श्रद्धा भाव से गान कर लें, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे सुरनायक हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करो। देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान ने आकाशवाणी में कहा, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह का हरण करने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई, और भगवान ने कहा कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हो नरवेशा,
अनसन सहित मनुज अवतारा लई हों दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनको मैं पूरब वरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नरभूपा तिनके गृह अवतरी हों जाई। उनके घर में अयोध्या में दशरथ जी के घर में हम प्रकट होंगे, अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। भगवान की वाणी को सुनकर के ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और सभा के विसर्जन के अंत में ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देखो भगवान अयोध्या में प्रकट होंगे दशरथ जी के पुत्र बन करके, तो उनकी सेवा के लिए हम लोगों को भी चलना चाहिए। हम लोग भी अपने अपने अंश से एक एक देवताओं को प्रकट करें और भगवान की सेवा में लग जाएं। और ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानर और भालुओं को प्रकट किया। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से बहु जाहि। ब्रह्मा जी ने कहा बानर शरीर धारण करके जाकर के पृथ्वी पर भगवान की सेवा करो, और ब्रह्मा जी का आदेश मान करके सभी देवताओं ने बानर के रूप में अवतार लिया और सब जहां तहां आ गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। स्वयं भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आ गए। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान केसरी नंदन हनुमान के रूप में आ गए भगवान की सेवा के लिए। और ब्रह्मा जी बोले पुरखाते सेवक भये, सबके पुरखा जो ब्रह्मा जी हैं वो सेवक बन गए, जामोन्त के रूप में आ गए। और अश्वनी कुमार जो हैं वो सुषेण वैद्य के रूप में आए। इंद्र बलि बानर बाली के रूप में आए। सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में आए। इस प्रकार सभी देवताओं ने बानर भालुओं का रूप धारण कर लिया और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे और उनकी सेवा का हमें अवसर मिलेगा। इस प्रकार से सर्वत्र देवता लोग बानर भालु के रूप में प्रकट हो गए और भगवान अयोध्या में प्रकट होने का उपक्रम करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम ज्ञानी परम धर्मात्मा श्री दशरथ जी महाराज, जिनके धर्म और कर्म की निष्ठा का बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गान करते, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा और इनकी तीन पत्नियां कौशल्या के कई सुमित्रा और इसके अतिरिक्त 350 और रानियां दशरथ जी की, तीन तो पटरानियां कौशल्या के कई सुमित्रा और साधारण रानी कितनी है, बोले 350। और पद्म पुराण स्कंद पुराण इत्यादि में जो वर्णन है उन कल्पों के अनुसार तो दशरथ जी की 700 रानियां थी, ऐसा भी वर्णन है। लेकिन किसी भी पत्नी से दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं। सब कुछ है दशरथ जी के पास लेकिन पुत्र सुख नहीं है। प्रतीक्षा करते रहे, अब भगवान की कृपा होगी, अब भगवान की कृपा होगी। लेकिन प्रतीक्षा करते करते 60,000 वर्ष बीत गए, क्योंकि त्रेता युग था। त्रेता युग का 60,000 वर्ष कलयुग के 60 वर्ष के बराबर। जैसे कलयुग में कोई व्यक्ति 60 वर्ष का बूढ़ा हो जाए और तब तक उसको कोई बेटा बेटी न हो तो व्यक्ति आशा छोड़ देता है, वही स्थिति दशरथ जी महाराज की त्रेता युग में मानो हो गई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बेटा बेटी नहीं। इतना विलंब क्यों हुआ? बोले भगवान को पुत्र बन करके आना है, इसलिए दूसरा कोई पुत्र कैसे आवे। बोले तो भगवान को आना है तो भगवान भी समय से आ जाते, अभी तक आए क्यों नहीं? बोले इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि अभी तक दशरथ जी को कोई बेटा बेटी इसलिए नहीं हुआ कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि ऐसे पुण्यात्मा के घर में पुत्र बनकर के प्रकट होने के लिए उस जीव को भी पुण्यात्मा होना चाहिए जो पुत्र बनकर के आवे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सुचि नाम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बड़े बड़े पवित्र कुलीन धन संपन्न व्यक्ति के घर में जो बालक पैदा होता है वो बालक भी साधारण नहीं होता, किसी जन्म का वो योगी होता है, इसीलिए ऐसे कुल में उत्पन्न होता। सुचि नाम
श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट होने पर व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी कुलीन में, किसी उत्तम कुल में, किसी धनवान के घर में, किसी पवित्र कुल में उसका जन्म होता है। तो पुण्यात्मा के घर में जन्म लेने के लिए उस जीव को भी पुण्यात्मा होना चाहिए, तब वो उसका बेटा बनेगा। तो दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि दशरथ जी के ही समान कोई पुण्यात्मा जीव हो तब वो दशरथ जी का बेटा बने। और ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी सृष्टि में ढूंढ लिया, लेकिन दशरथ जी जैसा कोई पुण्यात्मा जीव नहीं था जो दशरथ जी का बेटा बनने की योग्यता रखता हो, इसीलिए आज तक इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं। तो भगवान को ही पुत्र बन करके आना पड़ा। क्यों? बोले भगवान तो परम पवित्र हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, यहां तो पुण्य का कोई संबंध ही नहीं, इसलिए भगवान पुत्र बनकर के आए। और दूसरा कारण, संत लोग कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ही दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हैं। और मनु जी महाराज को भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बनकर के आऊंगा, तो दशरथ जी जान रहे हैं कि भगवान तो मेरे पुत्र बनकर के आएंगे ही आएंगे, इसलिए दशरथ जी ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया और अपने गुरु जी से कहा भी नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि भगवान मेरे पुत्र बनकर के आए। लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान जानते हैं कि मैंने वचन दिया है, तपस्या के फलस्वरूप मैंने इनको वरदान दिया है, मैं इनका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन मैं तब आऊंगा जब ये अपने गुरु जी से कहेंगे। क्यों? बोले गुरु की कृपा के बिना अगर भगवान मिल जाएं, गुरु की कृपा के बिना मैं इनको प्राप्त हो जाऊं, तो संसार में ये ख्याति हो जाएगी, संसार में लोग यही कहेंगे कि भगवान को भी प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की कृपा के बिना भी भगवान मिल जाते हैं, ये संसार में अपवाद फैल जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि जब तक इनके गुरुजी कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं इनका बेटा बन करके नहीं जाऊंगा। और तब दशरथ जी के मन में ये भाव जगा कि अब चल करके मैं अपने गुरुजी से निवेदन करूं। एक बार भूपति मन माई बेगलाली मोरे सुत नाही, बेगलाली मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पारा, चरण लागी करी विनय बिसारा, चरण लागी करी विनय बिसारा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई बसे श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के यहां जाते हैं और जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन करके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, अपने दुख को और अपने सुख को गुरु जी को सुनाए। कितना सुंदर संकेत है कि जीवन में आप अनुभव करो, जीवन में अगर सुख हो और दुख हो तो सबसे मत कहो, कहना है तो किससे कहो? बोले गुरु से कहो अथवा गोविंद से कहो। अपने सुख का किसी से वर्णन करोगे तो दूसरे को ईर्ष्या होने लग जाएगी और अपने दुख का वर्णन करोगे तो लोग मजा लेने लग जाएंगे, इसलिए सुख दुख का वर्णन संसार के लोगों से मत करो। किससे करो? बोले भगवान से और गुरु से, गुरु और गोविंद को सुनाओ। श्री रहीम जी महाराज कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा आप ही राखो गोए, और सुन इठ लई हैं लोग सब बांटन लई हैं को। अपने दुख को दुनिया से गाते फिरोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे बहुत बनते थे अब पता चला है, लोग मजा लेंगे, इसलिए अपना दुख किसी को मत सुनाओ। और सुनाने का मन है तो ठाकुर को सुनाओ, गुरु को सुनाओ, गोविंद को सुनाओ,
गुरु गोविंद तुम्हारे दुख को सुनेंगे तो उस दुख की निवृत्ति का कोई उपाय कर देंगे। और श्री दशरथ जी ने अपने मन के भाव को, अपने दुख को गुरु जी को सुनाया और गुरु जी ने तुरंत उपाय कर दिया। गुरु जी ने क्या कहा, बोले धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन धैर्य धारण करो, आप एक पुत्र के लिए तरस रहे हो, चार चार बेटे होंगे, चिंता मत करो, चार पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा क्या करना पड़ेगा, वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ कराएंगे। कौन सा यज्ञ, बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बोले आप करा दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं कराएंगे, कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि आएंगे और पुत्र कामेष्टि यज्ञ उनके द्वारा। श्रीमद् रामचरित मानस में केवल पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि ने पहले अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ एक वर्ष में संपन्न होता है, 365 दिन लगते हैं। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ होता है और पुनः जब बसंत ऋतु आती है तब अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है, 360 दिन लगते हैं। और आजकल कुछ पाखंडी संस्थाएं ऐसी पैदा हो गई हैं जो गली गली अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ लखनऊ चलो, अश्वमेध यज्ञ कानपुर चलो। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। अश्वमेध यज्ञ की पद्धति इतनी क्लिष्ट और इतनी विस्तृत है, 360 दिन में पूरा होने वाला यज्ञ। और आज पूरे भारत में आप खोजें तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण कितने मिलेंगे, बोले ज्यादा से ज्यादा 15 मिलेंगे, 16 नहीं मिल सकते। ये मेरा चैलेंज है इस व्यासपीठ से, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में सभी वैदिक विद्वानों से संपर्क रखा है और मुझे पता है कितने 15 लोग मिलेंगे, उनका नाम भी इस व्यासपीठ से मैं बता सकता हूं। बंधुओं अश्वमेध यज्ञ करना और कराना इतना सरल नहीं है। अश्वमेध यज्ञ के नाम पर मंडप बना करके और कुछ आहुति लेकर के स्वाहा स्वाहा कर लो और उसका नाम अश्वमेध यज्ञ कह दो, तुम्हारे कहने से वो अश्वमेध नहीं हो। अश्वमेध यज्ञ महान यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है। ब्राह्मण के पास धन हो जाए लेकिन ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। वैश्य के पास बहुत धन हो जाए लेकिन वो अश्वमेध यज्ञ का यजमान नहीं बन सकता। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रियों के लिए, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, यहां तक कि ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। कराएगा ब्राह्मण लेकिन स्वयं यजमान बनकर के ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। ऐसा विलक्षण अश्वमेध यज्ञ 360 दिनों में संपन्न होने वाला अश्वमेध यज्ञ। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि भारत के इन तथा कथित धार्मिक संस्थाओं को जो धर्म के नाम पर पाखंड का विस्तार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं के आचरण को देख करके जर्मनी के विद्वान भी हंसते होंगे कि भारत में इतने बड़े बड़े मूर्ख हो गए जो कि अपनी भारतीय संस्कृति के सिद्धांत को भूल गए। आपको मैं बताऊं कि जर्मन के विद्वान बेवर ने, मैक्स मूलर ने अश्वमेध यज्ञ की पद्धति लिखी है और वहां के विद्वान मैक्स मूलर और बेवर की पद्धति को पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। वो लोग जब सुनते होंगे कि भारत में लोग 5 दिन के अश्वमेध यज्ञ का नाटक करते हैं और भारत में रहने वालों को अश्वमेध यज्ञ का बोध तक नहीं है, तो वे जर्मन के विद्वान भी हंसते होंगे कि भारत के लोग कितने उच्च कोटि के मूर्ख होते चले जा रहे हैं। ये हमारा अधःपतन है। बंधुओं अश्वमेध यज्ञ बहुत विलक्षण यज्ञ है, 360 दिनों में संपन्न होने वाला। और ये सब बातें मैं अनर्गल नहीं कह रहा हूं, मैंने भी उन पद्धतियों को देखा है। और भारत के उन 15 विद्वानों का नाम मैं जो आपको बताऊं, उसमें एक विद्वान मेरे गुरुदेव भगवान भी गिने जाएंगे जिनके चरणों में बैठ करके मैंने शास्त्र का स्वाध्याय किया है। ये मेरा दावा है कि पूरे भारतवर्ष में उन विलक्षण यज्ञों को संपन्न कराने वाले जो 15 विद्वान मिलेंगे, उसमें से एक मेरे गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज,
जिनकी अवस्था अभी लगभग 90 वर्ष की है, लेकिन आज भी उनका केवल एक काम है, पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा छोड़ करके कोई काम जीवन में उन्होंने किया ही नहीं। चार विषय में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त है, गणित में, ज्योतिष में, वेद में और व्याकरण में, BHU से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन एक भी स्वर्ण पदक उन्होंने लिया नहीं, सब विश्वविद्यालय में ही छोड़ दिया, ऐसा विरक्त जीवन। और एक धोती और एक जलपात्र छोड़ करके उनके पास कोई संग्रह नहीं। आज तक ये मैं कह रहा हूं, आप अयोध्या आओगे तो मैं दर्शन करा दूंगा, और जो लोग हमारे संपर्क में हैं यहां के, जो अयोध्या आते जाते हैं, उन्होंने दर्शन भी किया है। 90 वर्ष की अवस्था, आज तक उन्होंने अंग्रेजी दवा एक गोली भी नहीं खाई। कोई बीमारी हुई भी तो स्वयं दवा का निर्माण करके जड़ी बूटी खा करके ठीक हुए, अंग्रेजी दवा का स्पर्श नहीं किया। अंग्रेजी दवा अगर छू जाए तो सरजू में स्नान करते हैं, इतना पवित्र आचरण। और कुएं का जल और नदी का जल छोड़ करके किसी हैंडपाइप और बोरिंग के जल से कभी उन्होंने अपना पैर भी नहीं धुला। स्नान करना और पीना तो बहुत दूर की बात है। 25 साल से तो मैं देख रहा हूं सर, 90 से गुरुदेव के साथ में हूं। ऐसा कठिन तप है उनका, सीसा में अपना मुख नहीं देखा, सिले वस्त्र नहीं पहने, चप्पल नहीं पहना, ऐसा त्यागमय जीवन और केवल शास्त्र का चिंतन। ये पृथ्वी आज भी वीरों से खाली नहीं है, ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं, तपस्वी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, जिनके तपोबल से ये पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो अब तक तो ये पृथ्वी पाप के भार से रसातल में चली जाती। बंधुओं, ऐसा अश्वमेध यज्ञ, विलक्षण यज्ञ श्री दशरथ जी महाराज के द्वारा श्रृंगी महर्षि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। 360 दिन में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, और ये अश्वमेध यज्ञ कहां हुआ? अयोध्या में नहीं हुआ, अयोध्या से उत्तर सरजू जी के उस पार, सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर मखौड़ा में मनोरमा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ के मंडप का निर्माण हुआ, और बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, और एक वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला है। पुनः प्राप्ते बसंते तु, पुनः जब बसंत ऋतु आई तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो गया तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब आपके द्वारा मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा। और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ एक दिन का यज्ञ है बस, और एक दिन में भी मात्र 2 घंटे का यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ अयोध्या में हुआ। अश्वमेध मखौड़ा में हुआ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ अयोध्या आकर के दशरथ जी ने किया। ये शास्त्र सम्मत बात वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों के आधार पर जो विद्वानों ने निर्णय किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। अश्वमेध यज्ञ सरजू जी के तट पर हुआ, और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ अयोध्या में हुआ। श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी जैसे वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी जैसे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होती दीने, प्रगटे अखिल जरू करनीने, प्रगटे अखिल जरू करनीने। दशरथ जी के द्वारा श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ की विशेषता क्या थी? बोले दशरथ जी ने आहुति नहीं दी, यज्ञ विधि के आधार पर होता है, और विधि जो कहे वैसा करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। अपने मन से आप करोगे तो फल विपरीत होगा,
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन अगर यज्ञ किया जाता है तो करने वाले का ही विनाश हो जाता है। इसलिए जो विधि कहे उतना करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। विधि में बुद्धि लगाना ये बहुत गड़बड़ बात है। लोग बुद्धि लगाने लगते हैं, ऐसा करें बोले तुम्हारी बुद्धि भाड़ में जाए। बुद्धि का कोई मूल्य नहीं, विधि का मूल्य। जो विधि कहती उतना ही करो। विधि क्या कहती है? बोले विधि कहती है कि दशरथ जी को आहुति नहीं करना है, तो दशरथ जी ने आहुति नहीं किया। दशरथ जी ने यह आग्रह नहीं किया कि मैं अपने हाथ से आहुति डालूं तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। श्रृंगी महर्षि ने कहा आहुति तो हम देंगे। बोले ठीक है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति के सहित आहुति किसने दिया? मुनि ने दिया, दशरथ जी ने नहीं दिया। क्योंकि श्रौत यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इन यज्ञों में जजमान आहुति नहीं देता। जजमान तो केवल बैठा रहता संकल्प कर। आहुति ब्राह्मण लोग ही देते, और आहुति देने का विधान है, कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। सबकी आहुति देवता ग्रहण ही नहीं करते। मनुस्मृति में वर्णन है, जिस यज्ञ में स्त्री आहुति करती हो उस यज्ञ में देवता आहुति नहीं ग्रहण करते। आज देखो कहीं भी हवन हो तो स्त्रियां भी हवन करती हैं, और न करने दो तो महाराज नाराज हो जाएं, हम भी हवन करेंगे। बोले जबरदस्ती मत करो, स्त्री के लिए हवन करने का शास्त्र में विधान नहीं है। स्त्री जिस यज्ञ में हवन करती हो, और जिस यज्ञ में नपुंसक हवन करता हो, और जिस यज्ञ में सुरा पीने वाला ब्राह्मण हवन करता हो, ऐसे यज्ञ में देवता आहुति नहीं ग्रहण करते। ये मनुस्मृति में लिखा है, पढ़ लेना। इसलिए कौन आहुति दे सकता है, किसके लिए आहुति देने का विधान है, उस विधि के अनुकूल जब यज्ञ करोगे तभी फल की प्राप्ति। आग्रह नहीं करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु विधि का पालन करना चाहिए। देखा देखी नहीं, सबके लिए सब काम नहीं है। शास्त्र सम्मत विधि से जब आप चलेंगे तभी शास्त्र के बताए हुए कर्मों का फल मिलेगा, और आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्तव्या कर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसमें एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा तर्क प्रमाण नहीं। इसलिए आंख बंद करके शास्त्र की बात मान लेने में ही भलाई है, उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं। क्यों कैसे? मजहब में अकल की दखल नहीं देनी चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने आहुति की दी, अग्नि देवता प्रकट हो गए चरु लेकर के, और वो चरु तीनों रानियों को दिया गया। तीनों रानियों ने चरु का भक्षण किया, और तीनों रानियां गर्भवती हुई। भगवान इन तीनों रानियों के गर्भ में आए। एक ही भगवान चार रूपों में आ गए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानम चतुर्विधम, भगवान ने अपने आप को चार रूपों में विभक्त कर दिया, और चार रूप में भगवान माताओं के गर्भ में आ गए। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आ गए, समस्त लोकों में सुख संपत्ति आनंद छा गया, और धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? बोले सुख जुत कछुक काल चल गयो। सुख पूर्वक धीरे धीरे वो काल बीत गया। कितना काल? बोले बालक के प्रकट होने तक का काल। 9 महीने? 9.5 महीने? बोले ना। बोले 10 महीने? बोले ना। कितना दिन बीता? बोले 11 महीना 23 दिन बीत गए। जोड़ लेना साहब, एक एक हिसाब है एक एक दिन का। 11 महीना 23 दिन तक भगवान गर्भ में रहे। साधारण बालक तो 9 महीने 9.5 महीने 9.5 महीने में जन्म ले, लेकिन भगवान बोले 11 महीने और 23 दिन। क्यों? बोले चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा माताएं गर्भवती हुई, और जब 1 वर्ष बीत गया
ऋतूनाम षट समत्ययुः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं छह ऋतुएं बीत गईं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर, ये सब बीत गईं। और पुनः जब बसंत ऋतु आई, फिर चैत्र का महीना आया और पूर्णिमा आने के लिए कितने दिन बचे, बोले केवल 5 दिन बचे हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के बाद 5 दिन बाद तो पूर्णिमा होती, पूर्णिमा को माताएं अंतर्वत्नी हुई थीं और पुनः पूर्णिमा आवे 5 ही दिन बाकी है 1 वर्ष में, तो कितना, बोले समझ लो महाराज 23 दिन बीत गए 24वां दिन। 5 दिन क्यों, बोले 6 दिन बाकी, बोले 23 दिन बीत गए 24वें दिन भगवान प्रकट हो रहे हैं, 11 महीने 24 दिन। और महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि 11 महीना बीत गया। ततश्च द्वादशे मासे, ततश्च द्वादशे मासे, 11 महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया और उसमें भी 23 दिन बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट समत्ययुः, और भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। कौन सी बेला, बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र शुक्ल की नवमी, मधुमास मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, क्यों, भगवान को प्रकट होना है, कौन भगवान के प्रतिकूल रह सकता है, पूरा पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग समझते हैं ना, पंडित जी का पत्रा है? तो पंचांग उसका नाम क्यों है, बोले उसमें 5 अंग होते हैं इसीलिए उसका नाम पंचांग है। 5 अंग कौन कौन है, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लग्न ग्रह दिन और तिथि, इसी 5 को जिसमें देखा जाए उसी को कहते हैं पंचांग। पूरा पंचांग शुद्ध हो गया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब अनुकूल हो गए और भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी वेला आ गई। चारों तरफ तैयारी थी, सब कुछ था, लेकिन बालक के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा। क्या संकेत, बोले बालक के प्रकट होने का संकेत होता है, बालक के जन्म लेने के पहले मां को प्रसव पीड़ा होती, मां को दर्द होता है, पीड़ा होती है, और जब वो व्याकुल होने लगती है तो अन्य स्त्रियां जान जाती हैं कि बालक के जन्म का समय अब नजदीक आ रहा है, ये संकेत है। लेकिन यहां तो मां कौशल्या को प्रसव पीड़ा नहीं हुई, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अनेक कल्पनाओं में मां कौशल्या डूबी हुई थी। तब तक अचानक मां कौशल्या के सामने दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, मां कौशल्या के सामने इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हुए, आंखें चौंधिया गईं। और मां कौशल्या जब तक सावधान होकर के कुछ समझती और देखती तब तक उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। क्या देखती हैं, बोले उस प्रकाश के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान वैकुंठनाथ प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुंठनाथ कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान के अद्भुत रूप को देख करके मां कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई और मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की और लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की। आइए इस स्तुति का हम लोग भी पाठ कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल वन माला नयन विशाला
कौशल्या जी तो कह द्वई कर जोरी, वो दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही, लेकिन आप लोग तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे, और एक कम से कम कीर्तन कर लो, बोल लो, पाप नहीं लगेगा, जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं भी बड़ा विचित्र प्राणी हूँ, सब कुछ कहता रहता हूँ, इसलिए आप सुनते रहिए और आनंद लीजिए, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए इस भाव से इसको गाइए, याद सबको है, बोलो भैया। अब आनंद सुति संता सो ममृत लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट सीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति तेर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम नय माता पुनि बोली सो मति डोली अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर गोपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव कोपा हाँ तेन परहि भव भगवान प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति की, और जब माँ कौशल्या ने स्तुति की तो भगवान ने कहा, क्या कहा? बोले माँ कौशल्या को कथा सुनाई, भगवान ने कथा सुनाई, कही कथा सुहाई माँ तू बुझाई और जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या जी को पूरी कथा सुना दी कि आपने और पिताजी ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, इसलिए हम पुत्र बन करके आए हैं। माँ कौशल्या ने कहा, पुत्र बन करके आप आए हो, लेकिन आप तो बाप जैसे दिख रहे हो, इतने लंबे, चार हाथ, मुकुट, माला, वस्त्र, कौन कहेगा कि आप मेरे बेटे हो? लोग मेरा उपहास करेंगे और यही कहेंगे कि कौशल्या भोरी हो गई। कौशल्या भोरी हो गई है और ऐसे भगवान को अपना बेटा कह रहे हैं। आप बेटा बनकर के आए हो तो बेटे जैसे बन जाओ। भगवान ने कहा, क्या